पहले अगर आप देखते होंगे तो एम्बिएंट लाइट में यहाँ पे काफी ज्यादा मोड आया करता था, भाई धीरे धीरे इस चीज के ऊपर भी अच्छा इंप्रूवमेंट कर लिया है। अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करता हूँ तो इसके अंदर BMW स्टाइल का जो की कवर होता है ये लगा दिया है। ये मेरी तरफ से मुझे जो लगता है कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, इसकी कोई ऐसा कॉस्ट नहीं रहती है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल रहता है हर किसी को कि भाई मेरी नई गाड़ी है, तार वार तो नहीं काट देंगे वाली चीज तो नहीं करी? नहीं, वो चीज नहीं हुई, मेरे सामने हुआ है, मैंने खुद सब आपके सामने हुआ है। ये भाई इसके अंदर ऑटो लीड की LED डाली है, H7 इसके अंदर इंस्टॉल होती है, 220 वॉट की रहने वाली है। ये रहा भाई इसका LED का बॉक्स। LEDs में मल्टीपल रेंज है, 3500, 4500, 4800, 5000 क्वालिटी वाइज सही है। ओरिजिनल है तो यहाँ से देखो एज टू एज आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर ओरिजिनल नहीं होता है तो यहाँ से एज टू एज फिट नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब फिटिंग खराब होती है। और यहाँ पे आप देखोगे ना बिल्कुल 00 फिटिंग आएगी, पता भी नहीं चलेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत कार्स। आज आप लोगों के सामने खड़ी हुई है किया सोनेट। आज आप लोगों को इसका रिव्यू दूंगा मैं ही बताऊंगा आज इसके अंदर क्या कुछ काम हुआ है। सुभाष भाई थोड़ा सा ऑक्यूपाइड है किसी चीज़ के अंदर, काम वाम में काफी सारे कस्टमर है ना तो उनको मैनेज कर रहे हैं। आगे से आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली और वीडियो होंगे और भी बढ़िया बढ़िया सी बनाऊंगा। ओवरऑल देख लो एक कंप्लीट गाड़ी कैसी है। किया सोनेट HTK ऑप्शनल है ये वाली, जिसके अंदर आप लोगों को देखो सनरूफ आने लग गई है, वो वाला वेरिएंट रहने वाला है ये, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या कुछ एक्सेसरीज इंस्टॉल हो सकते हैं और क्या कुछ इंस्टॉल हुई हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। एक बार आप मोटा मोटा देख लो कि गाड़ी के अंदर ये सारा कुछ काम हो गया है, डैशबोर्ड वगैरह पे हो गया है। तो फ्रंट से स्टार्टिंग करते हैं, एक बार आप लोगों को फ्रंट दिखाता हूँ इसके अंदर सबसे पहले क्या कुछ चीज़ें हुई हैं। तो ये वाली अगर आप ये एक्सेसरी देखोगे छोटी वाली, तो ये तो किया से लगवाई है अपने पास, जहाँ तक ये भी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो। ये लुक्स के लिए रहती है, पियानो ब्लैक के अंदर है, अच्छी नज़र आ रही है, छोटी सी एक्सेसरीज है। अगर किसी को चाहिए तो ये भी आप लोग लगवा सकते हो, और ये मतलब सिर्फ फैंसी आइटम है, इसका कोई फंक्शनैलिटी नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं इसके अंदर क्या कुछ इंस्टॉल हुआ है। तो नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करेंगे तो देखो फ्रंट से देखने में गाड़ी कुछ आपको कंप्लीट ऐसी नजर आएगी, ठीक है ना। इसके अंदर यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी सारा क्रोम वगैरह लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ऑब्वियसली पहले की शोरूम से ही लगी हुई है, अभी ऐसा कुछ नहीं लगा है, क्योंकि अभी अगर लगा होता तो न्यू दिखता। इस वाले वेरियंट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, वो इसके अंदर ना LEDs नहीं आती है, मतलब लाइट्स नहीं आती है, अच्छे इसके अंदर हैलोजन लाइट्स आती हैं। एक बार LEDs ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखो पार्किंग, लो बीम, अब हाई बीम करेंगे एक बारी, ये देखो भाई हाई बीम हो गई है, थ्रो एकदम बढ़िया रहने वाला है। रिस्पांस की बात करी जाए, एक बारी आपको सामने भी दिखा देते हैं, ये देख लो भाई लो बीम हाई बीम ऐसा कुछ रिस्पांस हो गया इसके अंदर। और कितने वॉट की LED रहने वाली है इसके अंदर भाई, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, 220 वॉट लगवा सकते हो, उससे ऊपर 360 लगवा सकते हो, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो मर्जी वो लगा लो। दो साल की वारंटी भी मिल जाती है, और प्लस उसके अलावा वारंटी कैसी होगी, अगर इनकेस किसी पीस के अंदर कुछ खराब हो जाए तो डायरेक्ट रिप्लेस करके देंगे, ऐसा नहीं होगा कि भाई आप आओ और आपसे कहें कि भैया रिपेयर होकर आएगी, 3-4 दिन बिना लाइट के गाड़ी चलाओ, ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा, आओ सीधा आपको रिप्लेस भी मिल जाएगी। ये रहा भाई सुभाष कार स्टूडियो, आप लोग यहाँ विजिट करोगे ना डायरेक्ट आपको ब्रांड न्यू LED का पेयर लगा के दे देंगे, अगर पेयर खराब हुआ होगा, सिंगल पीस खराब हुआ होगा, सिंगल पीस लगा के दे देंगे, ठीक है जी। इसके अंदर कोई दो राय वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर फ्रंट में क्या करवा सकते हो, अगर आपको इसके अंदर जैसे कि इसमें DRLs नहीं आते हैं तो आप बनवा सकते हो, अपने पास ऑप्शन है जिसमें आपको लाइट की गारंटी मतलब गारंटी भी देंगे, ओपन करके लाइट इसके अंदर आपका DRL बन जाएगा, इंडिकेटर भी आ जाएगा उसी के अंदर, तो वो ऑप्शन अवेलेबल रहने वाला है। नेक्स्ट अगर उसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक पूरा DRL लग जाता है, रात के टाइम पे अच्छा नज़र आता है, क्वालिटी वाइज भी ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, लगभग 2200 कुछ इतने का वो मिल जाता है। LEDs में मल्टीपल रेंज है, 3500, 4500, 4800, 5000 उसमें भी आपको अलग अलग प्राइस रेंज मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको चाहो तो इसको पियानो ब्लैक फिनिश करवा सकते हो, डिप करवा सकते हो, फ्रंट के अंदर ABS गार्ड मिल जाता है, उसका भी ऑप्शन रहता है। तो मतलब आपको इस गाड़ी के अंदर जो चीज़ें हुई हैं वो और जो चीज़ आप करवा सकते हो वो दोनों बता देता हूँ, ठीक है। लोअर विंडो गार्निश इसके अंदर इंस्टॉल हो गई है, गियरी और रेन वाइजर देखने के लिए मिलेंगे 6 पीस के अंदर, ये मुझे लगता है शायद कंपनी से लग के आए हैं, और अगर नहीं लग के आएंगे तो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, आप लोग लगवा सकते हो। इस वाले वेरिएंट के अंदर किया ने सबसे बढ़िया काम क्या करा है, ये जो इसके अंदर ये अलॉय व्हील जैसी लुक देते हैं ना व्हील कैप, ये तो मैं किसी को भी पर्सनली रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि आप इसको चेंज करवाओ, ये तो भाई कंपनी से जो आते हैं उसी को चलाओ, बढ़िया नज़र आते हैं, बिल्कुल आपको ना अलॉय व्हील जैसी लुक देखने के लिए मिलते हैं इनकी। इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंजेस करवाने की ऐसा आपको ना जरूरत नहीं है, और अगर हाँ आपको अलॉय व्हील लगवाने है, टायर अपग्रेड करवाना है, तो एक नेक्स्ट चीज़ है वो आप करवा सकते हो, ओरिजिनल जो अलॉय व्हील आता है कंपनी वाला वो भी अवेलेबल रहेगा। इधर की साइड भाई देखो आपको सोनेट की ब्रांडिंग के साथ में फुटस्टेप देखने के लिए मिल जाएगा, ये रहा भाई फुटस्टेप, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, चढ़ सकते हो, कहीं नहीं हिलता एकदम, मतलब क्वालिटी वाइज सही है। ओरिजिनल है तो यहाँ से देखो एज टू एज आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर ओरिजिनल नहीं होता है तो यहाँ से एज टू एज फिट नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब फिटिंग खराब होती है, और यहाँ पे आप देखोगे ना बिल्कुल 00 फिटिंग आएगी, पता भी नहीं चलेगा, यहाँ पे आपका ये मडगार्ड खत्म होगा और यहाँ से आपको फुटस्टेप स्टार्ट हो जाएगा, ये आपके यहाँ पे साइड बीडिंग आ जाएगी सोनेट की ब्रांडिंग के साथ में, ठीक है, थोड़ी बहुत स्क्रैच भी बचा लेगी। इस वाले वेरिएंट के अंदर भाई जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, पीछे आपको एक कनेक्टेड टेल लैंप देखने के लिए मिल जाती है, अगर आपको अपनी कार के अंदर लगवानी है तो ये भी अवेलेबल रहने वाली है, लगभग 9500 का सेंटर पीस आता है, साइड के पीस की अलग कॉस्ट रहती है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है आप लोग कॉल करके पता कर सकते हो। पीछे की तरफ इसके अंदर यहाँ पे आप लोग भाई स्पॉइलर डलवा सकते हो, स्पॉइलर नहीं डला है, शार्क फिन एंटीना आ गया, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसके अंदर रूफ रेल्स आ गई है, कंपनी से आप अगर देखोगे तो भाई ऐसे खाली रहती है, ये भी चीज़ ऐसे रहती है, हालांकि इस वाले वेरिएंट के अंदर HT के ऑप्शनल में ये लग के आती है, बट अगर बेस वेरिएंट की तरफ जाओ तो बेस वेरिएंट के अंदर कुछ नहीं आता, ब्लैंक रहती है, और ये एंटीना भी आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है,
अब इसके अंदर आप लोगों को प्योर व्हाइट कलर का शार्क फिन एंटीना इंस्टॉल कर दिया है। नेक्स्ट चीज़ अगर इसको भाई एक बार ओपन करोगे तो भाई ओपन करने पे आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे देखने के लिए मिल जाएगी, पार्सल ट्रे इंस्टॉल कर दिया। ये रे भाई इसके लॉक, इसके अंदर इसको रस्सी को लगा देंगे थोड़ा छोटा करके और फिर ये भी अपना ऊपर नीचे वर्किंग करने वाली है। ये भी ज़्यादा महंगी नहीं आती है, लगभग 1800-2200 कुछ ऐसा कॉस्ट करती है। ये रही भाई इसके अंदर ऑटो लीड की एलईडी डाली है, H7 इसके अंदर इंस्टॉल होती है, 220 वॉट की रहने वाली है। ये रहा भाई इसका एलईडी का बॉक्स, 2 ईयर की इसके अंदर वारंटी आती है डायरेक्ट रिप्लेसमेंट की। जैसा मैंने आपको बताया था मल्टीपल रेंज है, हॉर्न भी इसके अंदर सिंगल आता है तो वो भी डुअल हॉर्न सेटअप कर दिया, तो वो चीज़ भी इंस्टॉल हो गई है। इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ, रख लो, ठीक है जी। एक बार ही पीछे का डोर अगर आप लोग ओपन करोगे तो पीछे के डोर के ऊपर कुछ आप लोग कह सकते हो चेरी कलर का इन्होंने अपनी पसंद का भैया ने गाड़ी का इंटीरियर बनवाया, तो अच्छा नज़र आ रहा है भाई। कलर अगर देखोगे ना तो देखने में कलर काफ़ी मतलब ऐसा है, काफ़ी प्रीमियम कलर लग रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा नज़र आया कलर। और फिट एंड फिनिश की बात करी जाए तो भाई फिटिंग भी बहुत बढ़िया आई है। फिटिंग आपको मैं और अच्छे से अभी अंदर चल के भी दिखा दूंगा, अभी तो मैंने अपनी आंखों से ही देखी है, तो फिटिंग के मामले में आपको कमी पेशी नहीं लगेगी, ठीक है जी। इधर की तरफ आपको सोनेट की स्कफ प्लेट्स मिल जाएंगी, ये कंपनी वाली हैं। लाइट्स का ऑप्शन चाहिए तो लाइट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके अलावा ड्राइवर साइड डोर देखोगे तो कंप्लीट इसके ऊपर भी सॉफ्ट टच कर दिया है, यहाँ पे कुशनिंग आ गई है और यहाँ से इससे पीछे आपको कुशनिंग मिलेगी। और ये भैया ने ना अपनी पसंद के मैन्युफैक्चर करवाए थे, सीट कवर बनवाए थे, तो इस चीज़ के अंदर आप लोगों का थोड़ा 2-4-5 घंटे का मतलब टाइम लग जाता है ओवरऑल गाड़ी का काम कंप्लीट होने में। सीट कवर पर एक बार आप लोग नज़र मारो भाई, आपके लिए मैं जूम करता हूँ, ये चेक करो, नीचे की साइड होगा पूरा डिज़ाइन, ये बैक में होगा और ये पूरा ऊपर की साइड से भाई, एक बार आप लोग चेकआउट कर लो। ये हो गया इधर का सीट कवर, वो हो गया कोड्राइवर वाला सीट कवर, ठीक है जी। ये कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, एयरबैग की ब्रांडिंग है, एयरबैग वाले ही सीट कवर इंस्टॉल होते हैं, विदाउट एयरबैग वाला कोई सीट कवर इंस्टॉल नहीं होते। ये भाई इसके अंदर ओरिजिनल जो क्रूज कंट्रोल रहता है किया का, ये रहा इसका बॉक्स, इसके अंदर से निकाल के भाई आपका ये रहा भाई जो स्टॉक यूनिट आती है, ये तो अब खैर किसी काम की नहीं है, ये वाली भाई कंपनी से आती है लग के। अब इसके अंदर भाई ओरिजिनल क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल कर दिया किया का, तो ये चीज़ लग चुकी है। इसको प्रेस करोगे तो भाई आपका देखो यहाँ पर क्रूज की आपको देखो लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा ओरिजिनल। इसमें कोई वारंटी कुछ नहीं उड़ती है, बढ़िया काम हो जाता पक्का एकदम बिना किसी दिक्कत के साथ। स्टीयरिंग व्हील की बात करी जाए तो एक कलर बहुत बढ़िया पसंद करा ओनर ने, मतलब कि आप ये लगा लो कलर की जो ओवरऑल मतलब मेंटेनेंस रहेगी ना उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं, खैर ईजी टू क्लीन रहता है। और साथ के साथ यहाँ पर जो आप ये सिलाई देख रहे हो ना, ये भाई प्रॉपर जिगजैग वाली अच्छे से इसके अंदर सिलाई कर दिया। और यहाँ से भी अगर आप लोग कॉर्नर्स वगैरह चेकआउट करोगे या इधर से चेकआउट करोगे तो बढ़िया एकदम फिट एंड फिनिश में कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। नेक्स्ट चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ऐसी कुछ इसके अंदर एम्बिएंट लाइट लगाई है। पहले अगर आप देखते होंगे तो एम्बिएंट लाइट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोड आया करता था, भाई धीरे धीरे इस चीज़ के ऊपर भी अच्छा इंप्रूवमेंट कर लिया है। यहाँ पे अब आपको ज़्यादा मोड का नहीं पता चलेगा क्योंकि पहले बता देते हैं कस्टमर को जब गाड़ी में काम होता है, तो जी आपके यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ से मुड़ सकती है। एंड उसके अलावा इधर की साइड आपका ये हो गया है, राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर लाइट्स हो गई हैं, तो चारों डोर के ऊपर और नीचे पैरों में मतलब 10 पीस वाली इसके अंदर एम्बिएंट लाइट भी इंस्टॉल हो चुकी है। सीट कवर को अगर आप लोग देखोगे तो भाई पीछे के सीट कवर देखो नीचे के कुछ ऐसे रहने वाले हैं, ठीक है जी। ये हो गए आपके ऊपर के, ये इधर के, और नीचे की तरफ आपकी मैटिंग इसके अंदर ऑलरेडी हो ही रखी है। एंड उसी के अलावा अगर इस स्क्रीन की बात करी जाए, अगर आपका बेस वेरिएंट अगर आपको वाली स्क्रीन चाहिए तो ये भी अवेलेबल है, आप लोग अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो। एंड इस वाले वेरिएंट के अंदर तो आपका भाई डेडिकेटेड आप लोगों को कैमरा वैमरा सब कुछ आता ही है, तो इस वाली स्क्रीन के अंदर तो कुछ इस वाले वेरिएंट के अंदर तो कैमरा वैमरा या कोई कुछ सिस्टम ही नहीं है। फ्रंट पार्किंग सेंसर एक्टिवेट हो गए हैं, इसके इन्हें बंद करो वरना बचते ही रहेंगे, जब गाड़ी ऑन होगी तो अपने आप ऑन हो जाएंगे, ठीक है जी। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इधर की तरफ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल इस वेरिएंट में आते हैं, बट अगर उस बेस वेरिएंट की बात करी जाए तो उसके अंदर आप इनको इंस्टॉल करवा सकते हो। ये इसके अंदर भाई आपको मिल जाता है नॉर्मल, और ये वाली जो लाइट्स आप देख रहे हो इसके अंदर ये आपको येलो कलर की मिलती है, बट ये व्हाइट कलर की लाइट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कर दी है, और ये पीछे की लाइट जो है ये भी व्हाइट कर दी है, ये भी इसके अंदर व्हाइट नहीं आती येलो आती है, तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आप लोगों की चेंज हो गई हैं। एंड अगर चाबी देखोगे तो भाई इसके अंदर आप लोगों को चाबी ऐसी नहीं मिलती है, इसके अंदर आप लोगों को भाई ये वाली चाबी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करता हूँ तो इसके अंदर BMW स्टाइल का जो की कवर होता है ये लगा दिया है, ये मेरी तरफ से मुझे जो लगता है कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, इसकी कोई ऐसा कॉस्ट नहीं रहती है, तो इसको मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं आप लोगों को एक बार भाई लाइट्स दिखा देता हूँ उस गाड़ी की, लाइट्स कैसी रहने वाली है, सिस्टम चेक करेगी गाड़ी, और सिस्टम चेक करने के बाद ऑल ओके, एंड्रॉइड ऑटो अगर चलता है तो भाई यहाँ पर भी लिखा आता है, तो वो चीज़ लिखी आ रही है, ये चेक करो भाई लाइट का थ्रो तो बढ़िया हो गया है, ठीक है। ये ऑन करी, ये एक बार अच्छा, इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी आते हैं, इसको करते हैं ऑन, ये करी भाई ऑन, ये लो बीम या हाई बीम, ये देखो भाई ये सारी चीज़ें जो सारे फीचर्स हैं इसमें वर्क करेंगे। और अगर यहाँ से आप लोग हेडलैम्प लेवलर अपने एडजस्ट करेंगे तो ये भी आपका चलने वाला है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको हेडलैम्प लेवलर से अपनी लाइट एडजस्ट करनी है ऊपर नीचे तो वो भी आपकी हो जाएगी, ठीक है जी। एंड उसके अलावा इसके अंदर ये ऑटो फोल्ड और VM लगवा सकते हो, स्पीकर्स वगैरह लग सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि इसके अंदर जो स्पीकर आते हैं ऐसे जितने बढ़िया होते नहीं है इस वाले वेरिएंट में, तो स्पीकर चेंज हो जाएंगे। ये हो गया इसका इंटीरियर की बात, ये हो गया इसके अंदर ये,
और ये होगा आपका सनग्लासेस होल्डर। बेस वेरिएंट के अंदर ये नहीं आता है, जो एच टी ई ऑप्शनल आता है उसमें तो आता है, जो दूसरा वाला होता है जो बिल्कुल बेस होता है जैसे कि ये वाली गाड़ी खड़ी है इसमें नहीं आता है, तो ये भी आप लोग इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो। ठीक है जी, ये देखो भाई, ये आपको ये वाली जो मैं सोनेट दिखा रहा था, ये जिसके अंदर सारी चीज़ें दिखाई हैं उसको ऑन करते हैं भैया। तो भैया से थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? राकेश। हाँ जी राकेश। राकेश माइक आप थोड़ा सा पास में पकड़ लो। राकेश। हाँ जी राकेश, तो आप कहाँ से हैं भैया? मैं द्वारका से हूँ। द्वारका से हो आप? तो कैसे रेफरेंस मिला आपको यहाँ का? मेरे दो तीन दोस्त लोग आए थे। अच्छा, और यूट्यूब पे भी देखा है इनका चैनल। ठीक है, तो क्या रिपोर्ट है मतलब काम वाम की ओवरऑल? काम वाम का तो अच्छा लगा, काफी काम। अच्छा, चला के देखेंगे अब आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या मतलब फीलिंग आती है? हाँ जी, नहीं बाकी ओवरऑल जैसे मतलब टाइम वगैरह लगा, ओवरऑल सीट कवर वगैरह ठीक है? फिटिंग से मैं आया था सब ठीक है, फिटिंग भी अच्छी हो गई है, काम अच्छा हुआ है, नो डाउट। कुछ कमी पेशी लगी हो तो? नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। और प्राइस कैसे हैं इनके? प्राइस ठीक है, रीजनेबल थे। रीजनेबल है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल रहता है हर किसी को कि भाई मेरी नई गाड़ी है, तार वार तो नहीं काट देंगे? वाली चीज तो नहीं करी? नहीं, वो चीज नहीं हुई, मेरे सामने हुआ है, मैंने खुद देखा। सब आपके सामने हुआ है? और आपने क्रूज भी लगवाया, ओरिजिनल किया का, तो ओरिजिनल माल लगाते हैं? अब सर सामने तो ओरिजिनल ही है। हाँ मतलब बॉक्स वगैरह में से ओरिजिनल के बाद पता चलेगा वो कितना ओरिजिनल है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और बाकी आप चाहो तो प्रोडक्ट के पीछे ना ब्रांडिंग भी रहती है ओरिजिनल सामान की, किया ह्यूंडई की लगी रहती है। तो मतलब किसी को वीडियो देखने वाले लोगों को आप रिकमेंड करोगे काम कराने आए? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल रिकमेंड करेंगे। मैं भी रिकमेंड करके आया हूँ, दूसरों को भी रिकमेंड करूंगा। मतलब जैसा वीडियो में दिखाते हैं वैसा होता है यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मतलब ऐसा तो नहीं कि वीडियो में लगो और यहाँ लगो? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सुभाष भाई बहुत कोऑर्डिनेट थे। ठीक है जी। और जबरदस्ती तो नहीं करते कि ये सामान भी लगवाओ ये भी लगवाओ? बल्कि उन्होंने तो जो चीज नहीं लगाने लायक थी वो भी बोला कि इसको मत चेंज करो। ठीक है जी, मतलब सही सजेशन देते हैं, गलत चीज गाइडेंस नहीं करते हैं। और भाई को भी काम बढ़िया लगा? भैया अच्छा लगा, मजा आ गया? चलो मतलब ओवरऑल आपका आना यहाँ पे वर्थ इट रहा, जो आपने पूरा दिन दिया, आपकी गाड़ी एकदम टिच हो गई है, बढ़िया। ठीक है ठीक है भैया, थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। भाई भैया का फीडबैक कुछ ऐसा रहा, ओवरऑल भैया को गाड़ी वाड़ी मस्त पसंद आ गई है, सारा सब कुछ काम हो चुका है। तो भाई देखो ये वाली जो किया सोनेट थी मैंने आपको दिखा दिया है, एक किया सोनेट ये रही, एक पार्किंग में, दो तीन किया सोनेट आ रखी है अपने पास, और सुभाष भाई हमारे उस्ताद है किया सोनेट करने में, इसलिए इन्होंने बैनर पे भी सोनेट छाप रखी है। ठीक है जी, तो अगर आप में से भी कोई भी किया सोनेट परचेज करता है, काम कराने आना चाहते हो, बिंदास काम कराने आओ यार, बढ़िया क्वालिटी का आपका बढ़िया प्राइस पे काम हो जाएगा और ज़्यादा आपका जो खर्चा वर्चा वो भी नहीं होगा। ठीक है जी, इस वीडियो में इतने रखते हैं, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर दो, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।